500 बकरिया और 25 बकरों का जो है ये प्लान है। यहाँ मेरी टोटल जो जमीन है वो 7 एकड़ है, ये वाला प्लॉट। इसके अलावा भी एक प्लॉट है जो 14 एकड़ का है, एक इधर है। पर जो गोट फार्मिंग के लिए मैंने डेडिकेटेड रखा हुआ है वो 7 एकड़ का प्लॉट है, जिसमें से 1 एकड़ में, 1.25 एकड़ में आप 55,000 स्क्वायर फीट में ये शेड प्लस ये बाड़े देख रहे हैं। इसमें 17 बाड़े इस साइड बने हुए हैं, 17 ही बाड़े उस साइड बने हुए हैं। अच्छा, और उसके अलावा आप गाय का शेड अलग बना हुआ है। अगस्त से लेके फरवरी मार्च तक हम लोग इनको हरे चारे पे रखेंगे, और यकीन मानिए उस टाइम पे जो हमारा दूध होता है गायों में भी और बकरियों में भी वो अपने पीक पे रहता है, जो हेल्थ रहती है वो पीक पे रहती है। उसमें भी 24% क्रूड प्रोटीन रहता है। अच्छा। जो कि बकरियों की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, तो ये एक तरीके से आप समझिए इनकी दवाई है। बकरी पालन में दोहरी कमाई कैसे करें, दोहरी कमाई के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि दूध कैसे निकालें हम बकरियों का। 500 बकरियों से अगर आप दूध निकालने की बात करेंगे तो आपको 150 से 200 लीटर दूध होगा। 200 लीटर दूध की कीमत आज मैं 40 रुपये से भी जोड़ूँ तो 8,000 रुपये दिन का हो रहा है, 240,000 रुपये महीने का हो रहा है। तो ये जो बकरी है, बकरी नहीं है, गाय है मेरे लिए। अब चलो ये मिला के हमको दिखाओ जो बकरियों के लिए करते हैं। जी, इसको भी पाला कर देंगे। हाँ हाँ, ये नरम हो गया है। जी, ये पूरा नरम हो जाता है। हाँ, ये नरम हो गया है। अब ये अभी डाल सकते हैं बकरियों को? हाँ, अभी डाल सकते हैं। चलिए उठाइए, डालिए। सीधा डालेंगे आप? जी, अब सीधा डाल देंगे। अच्छा, ये सीधा डाल रहे हैं। ये हंसा नस्ल की है। हंसा नस्ल की है, जबरदस्त है, देखिए बहुत शानदार है, जबरदस्त है। इसे कान देखते हैं, ये प्योर देसी में है हमारे यहाँ। ये बैतूल की प्योर देसी है, अच्छी अच्छी ब्रीड, पानी मांग देगी। जरा मुखड़ा दिखा इधर, ये देखो ये मुखड़ा दिखा इधर, बहुत खूबसूरत है, ये शानदार है। हमको गाय में रिटर्न अच्छा दिखा और एक सुकून मिलता है गाय को देखने के लिए। ये हमारी साहिवाल गाय है, ये 16 लीटर दूध देती है अभी। ये भाई साहब निकाल रहे हैं इसको, ठीक है। अभी क्या क्या मिलाते हैं इसमें ये देखते हैं। अच्छा, वहीं से नीचे गिरा देते हैं? हाँ, यहीं से। अरे वाह, गजब का सिस्टम है। ये यहाँ से नीचे गिरा दिया इन्होंने। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश सौसर, आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं बैतूल सीरीज, और बैतूल से अलग अलग जगह पर हम कवर कर रहे हैं। इसी के साथ एक बड़े से फार्म पे पहुंचे हैं, और ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, और यहाँ पे गाय भी हैं, सिरोही की भी बकरियाँ हैं, और बैतूल की देसी बकरियाँ हैं, इसी के साथ कुछ मुर्गियाँ भी हैं। और यानी कि इस वीडियो पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, और इस वीडियो पर हम समझाएंगे कि गायों को क्या खिलाते हैं और बकरियों को सूखा चारा क्या खिलाते हैं, दाना क्या खिलाते हैं, इसी के साथ बकरियों को हरा चारा पे क्या खिलाया जाता है यहाँ पे, ये हम आपको दिखाएंगे। इधर जैसे देख रहे होंगे आपको सिरोही की बकरियाँ इधर दिखाई दे रही हैं, बहुत सारी सिरोही की बकरियाँ हैं इसमें। और इसी के साथ जैसे ये हम मुड़ेंगे इधर, तो इधर देखेंगे कि चारा रखा हुआ है, हरा चारा, और शानदार बैतूल की देसी बकरियां आपको आगे दिखाई दे रही हैं। बैतूल की देसी बकरियों का जवाब नहीं है, जबरदस्त देसी बकरियां हैं बैतूल की। उसकी कलर और शाइनिंग देखते ही बनती है, और वो जमुनापारी की तरीके से दिखती है, और इसमें कुछ जमुनापारी की भी बकरियां शामिल है। इसी के अलावा पीछे की तरफ डेयरी फार्म है, और ये देख रहे हैं ये डेयरी है, और डेयरी में गाय रखी हुई है, और इसमें गिर और शाहीवाल की गाय है, और उसी के बाजू पे गोडाउन रखा हुआ, गोडाउन बना हुआ है। इधर देखेंगे तो गोडाउन बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो फार्म है ये भाई साहब का है। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपका परिचय? मैं हर्ष शिवरे हूँ, मैं एक्चुअली बैतूल जिले से ही आता हूँ, और आप जो ये फार्म देख रहे हैं ये फार्म है ग्राम बुआलखापा में, जो कि मुल्ताई तहसील से करीबन 20 किलोमीटर दूर है, और ये बैतूल ज़िले में आता है। तो ये फार्म हमने, ये जो फार्म है हमारा, ये हमारे NLM स्कीम के अंडर है, जिसमें 500 बकरियां और 25 बकरों का जो है ये प्लान है। प्लान है, तो चलिए समझते हैं कि भाई साहब कैसा ये पूरा जो सेटअप है ये चलाते हैं, कैसे मैनेजमेंट करते हैं, ये डिटेल के साथ समझें। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। अभी हम सर सबसे पहले गायों को देखते हैं, ठीक है? आइए। अच्छा सर, ये तो बकरी पालन इधर है आपका, ये डेयरी करने का कैसे इरादा हुआ? तो देखिए, सबसे पहले तो हमारा ये था कि हम लोग जान पाए कि, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, हम लोग नए किसान हैं, तो नए किसान के लिए ये है कि देखिए, मैंने अपनी डिग्री ली कहीं से, मैंने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद मैंने जॉब करी, जॉब करने के बाद मेरा आया कि मैं खेती करूँगा। तो अगर आप खेती कर रहे हो और आप एक बड़ा प्लान पहले से ही चालू कर लेते तो आपको दिक्कत आती। तो आप देख सकते कि वहाँ पर हमारा एक 20x100 का एक हमारा पुराना शेड है, जो 1 साल पुराना है। वहां हमने ये सोचा कि हम वहाँ कुछ बकरिया
कुछ गाय पाल लेते हैं और कुछ मुर्गियां पाल लेते हैं, ताकि हमको एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग का पूरा अंदाजा हो पाए कि हम लोग काम क्या कर रहे हैं, हमको किस चीज में ज्यादा सक्सेस मिलेंगी, हमारे लिए बकरी में क्या रिटर्न है, हमारे लिए मुर्गियों में क्या रिटर्न है, हमारे लिए गाय में क्या रिटर्न है। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो गाय है, ये सारी गाय हमारी जो है या तो साहीवाल है या फिर गिर है। अब साहीवाल और गिर गाय का जो दूध रहता है ये A2 मिल्क रहता है, एक मिल्क का टाइप है जो कि पौष्टिक रहता है बहुत ज्यादा। और आपने गांव में भी सुना होगा कि जो देसी गाय का दूध है उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो इसीलिए हम लोग इस पे गए कि एक तो हमारा ये था कि हमने पहले सिर्फ 2 गाय पाली थी ताकि हमारे घर का दूध हो जाए। अगर बाय द वे अगर किसी बकरी में कम दूध हो, अगर 3 बच्चे दे दिए तो उनको दूध की पूर्ति के लिए वहां से दूध मिल जाए, इसलिए हमने गाय पाली। फिर हमको गाय में रिटर्न अच्छा दिखा और एक सुकून मिलता है गाय को देखने के लिए, फिर इसलिए हमने ये गिर गाय की जो है यहाँ संख्या बढ़ाई और इसके लिए एक अलग से शेड बनाया। अच्छा, पढ़ाई की बात चली है तो आपकी पढ़ाई कहाँ तक है और अभी मतलब इसके साथ या इससे पहले क्या काम करते थे? हाँ जी, तो इसके पहले मेरा जो मैं एक्चुअली M.Tech हूँ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में, मैंने NIT वारंगल से अपनी डिग्री करी थी, M.Tech किया था। उसके बाद मैं एफकॉन्स कंपनी में जो सापुरजी पोलनजी की एक सब्सिडरी है उससे मैंने दिल्ली मेट्रो में काम किया है, जामिया मिलिया इस्माइलिया जो एक आपने नाम सुना होगा, और एक फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल के सामने एक ईश्वर नगर है। तो यहाँ पर मैं वहाँ पर स्टेशन इंस्टार था दिल्ली मेट्रो में, मेरा काम वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का सुपरविजन था, वो सारी चीज़ें मैं देखता था। तो उसके बाद मैंने वहाँ पर करीबन 4 साल काम किया और 4 साल काम करने के बाद में मैं गांव शिफ्ट हुआ। अभी भी मैं डिज़ाइन ड्राइंग के काम करता हूँ, मेरी कंसल्टेंसी है। और साथ में क्योंकि कोरोना हो गया था और मुझे घर आना पड़ा था, तो तब से मेरा ये इंटरेस्ट था कि मैं खेती में थोड़ा बड़ा काम करूँ। और सापुरजी पालनजी बड़ा नाम है, है ना? सापुरजी पालनजी बड़ा नाम। टाटा स्टील के कॉन्ट्रैक्टर हैं और वो जो साइरस मिस्त्री थे, हाँ, जो टाटा स्टील के चेयरमैन थे, वो भी सापुरजी पालनजी से थे। हाँ, तो ये बड़ा नाम है देश में। ठीक है, तो अभी हम गाय पे चलते हैं सर। ठीक, गाय पे कैसे कलेक्शन किए हैं सर? जैसे कि इधर देख रहे हैं तो इसमें कुछ गाय जो है ये क्रॉस की है, लेकिन उधर जैसे हम देखते हैं तो उधर हमको गिर की दिखाई दे रही है। उधर सारी गिर की है, इधर जरा गिर वाले को पहले देख लेते हैं फिर इनके खाने को समझेंगे। तो ये हमारी साहीवाल गाय है, ये 16 लीटर दूध देती है। अभी 16 लीटर देती है? हाँ, 8 अच्छा। लीटर सुबह 8 लीटर शाम को देती है। अच्छा, और ये इसका तीसरा ब्याहवन है अभी। अच्छा, ये तीसरी बार माँ बनी है यानी। तो कहाँ से लेके आए थे इसको? ये हमने लोकली प्रोक्योर करी थी। कितने में लिए थे? ये 55,000 रुपए की पड़ी थी हमें। 55,000, ये जैसे हम समझे इसको, तो ये गिर गाय है। हाँ, ये 9 लीटर दूध देती है, यानी कि ये सुबह के टाइम 4 लीटर देती है, शाम के टाइम 5 लीटर दूध देती है। अच्छा, तो इस तरीके से है यहाँ पे। ये वाली तो जर्सी से क्रॉस दिख रही है ना? हाँ जी। और ये वाली? ये तो प्योर जर्सी है। प्योर जर्सी कितना दूध देती है? ये 16 लीटर 16 लीटर देती है। और ये अच्छी गाय दिख रही है, गिर की है क्या? हाँ जी, ये गिर की गाय। अच्छा, अभी दूध देती है? अभी दूध नहीं दे रही, अभी प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है। हाँ। इसी तरीके से एक गाय उधर और है, जो ये दो बच्चियां है। हाँ। और एक उधर हमारी गिर की गाय और है। अच्छा, एक और गिर की गाय उधर पे है। ठीक है, तो ये इस तरीके से, इसमें से ये दूध दे रही है अभी कि नहीं दे रही है? नहीं नहीं, अभी ये दूध नहीं दे रही, अभी ये सारी प्रेग्नेंट गाय, इसलिए जो हमारे यहाँ दूध की क्वांटिटी है वो थोड़ी कम है। कितना लीटर दूध अभी आ रहा है? अभी हमको डेली का 40 लीटर दूध आ रहा है। 40 लीटर दूध? हाँ जी, डेली का आ रहा है। तो ये दूध कहाँ बेच रहे हैं? अभी ये यहाँ पर डेयरी कलेक्शन वाले आते हैं। हाँ। वो डेली यहाँ से कलेक्शन करके दूध ले जाते हैं और फिर उसको सांची में या अमूल में बेचते हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ सांची है मध्य प्रदेश में। हाँ हाँ, है ना? और सांची डेयरी सांची में ही जाता है हमारा दूध। अच्छा, सांची के लोग आते हैं, कलेक्ट करते हैं। हाँ। उनकी गाड़ी आती है, फेट यहीं पे हमको दिखा देते हैं। हाँ। कैलकुलेट करके और फिर यहाँ से ले जाके वो यहाँ कोल्ड स्टोरेज बना है मुल्ताई में, वहाँ से फिर प्रोसेस होकर पैकेजिंग होके वो बड़े शहरों में जाता है। अच्छा, ठीक है। अब इसको क्या क्या खिलाते हैं सर, ये जरा हमें दिखा दीजिए। बिनोला की खल्ली है। तो बिनोला की खल्ली हो गया आपका, गेहूं का भूसा हो गया, इसके अलावा मक्के का जो टुकड़ा रहता है, दलिया बोलते हैं जिसको हम, है ना? तो मक्के का दलिया रहता है, उसके बाद में आपका हम लोग कैल्शियम अलग से देते हैं इनको। ठीक है, और जैसे ही ये आप समझिए 2 महीने के बाद में मेथी घास हमारी उगेंगी, नेपियर हमारा उगेगा, हम लोग ये सारी चीजें बंद कर देते हैं। तब हमारी गाय जो है वो हरे चारे पे रहती है। और हरे चारे में जैसे आप ये समझ लीजिए कि मेथी घास है, वो एक प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है, और जो
कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के लिए हम लोग नेपियर यूज करते हैं। तो अभी हमने वो लगाया हुआ है, अब 2 या 3 महीने में हमारी जो है वहाँ से हरा चारा हमारे पास आने लग जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हम बंद कर देंगे। ये सिर्फ हमारे गर्मियों के लिए रहता है। अब ये कितने बजे खिलाते हैं? ये हम लोग 7 बजे दूध लगाते हैं, तो 7 बजे हम लोग उसके जस्ट पहले हम लोग दूध लगाने के पहले ये खिलाते हैं इन्हें। इसको कितने घंटा पहले डुबोते हैं? 2 घंटे पहले। 2 घंटा पहले डुबोते हैं और इसको खिलाते हैं। हाँ, और इधर दूध दूहते हैं, यही करते हैं। ठीक है, चलो निकालो भाई। ये भाई साहब निकाल रहे हैं इसको। ठीक है, अभी क्या क्या मिलाते हैं इसमें ये देखते हैं। लाइए, ये खली हो गया। और ये क्या है? ये कैल्शियम। कैल्शियम, अच्छा ठीक है। और ये हिमालय बत्तीसा है। हिमालय बत्तीसा है, ठीक है। अभी कैसे कैसे क्या क्या मिलाते हो जरा दिखाइए। सर, एक गाय को 100 ग्राम कैल्शियम देते हैं। इसके बाद हिमालय, ये पाउडर है हिमालय बत्तीसा का, ये डालते हैं। और ये लगभग 1 kg मक्के की चुन्नी है, ये डालते हैं एक गाय को। अच्छा, तो ये सब मिक्स करके फिर देते हैं। जरा देख दिखाना जी, और मिक्स करके भी दिखाओ। चलो भाई, क्या क्या मिलाते हो मिलाओ। पहले भूसा डाल दिया। हाँ, ये भूसा किसका है? ये गेहूं का भूसा है। गेहूं का है, ठीक है। फिर ये बिनोला खल। बिनोला खल, ठीक है। इसमें कैल्शियम वो मिला दी है अभी। अच्छा ठीक है। फिर इसको मिक्स कर लेते हैं भूसे को और खल को। अच्छा, ये मिक्स कर रहे हैं भाई साहब लोग। अब इसमें हाँ मक्के की चुन्नी है। मक्के की चुन्नी है, ठीक है, ये डालते हैं। और ये क्या है? ये हिमालय बत्तीसा है। ये हिमालय बत्तीसा के लिए। हाँ ठीक है। ये हिमालय बत्तीसा लगा दिया आपने जी, तो ये रेडी हो गया जी। ये गाय के लिए रेडी हो गया। अच्छा, तो बकरियों को भी यही खिलाते हो? नहीं, बकरियों में क्या करते हो? इसमें गेहूं का भूसा हटाकर चने का भूसा मिक्स कर देते हैं हम। अच्छा, गेहूं के भूसे के जगह में चने का भूसा कर देते हैं। बकरियों में खाली ये अंतर है शाम के खाने में। हाँ। और गायों के सुबह शाम देते जी, हैं। ठीक है, अब दीजिए गायों को। अच्छा, वहीं से नीचे गिरा देते हैं? हाँ, यहीं से। अरे वाह, गजब का सिस्टम है। ये यहाँ से नीचे गिरा दिया इन्होंने। ठीक ठीक है, इसी तरीके से पूरा नीचे डाल देंगे और इधर फिर अपन दूध वगैरह निकालने का काम भी करते रहते होंगे साथ में, ऐसा ही है ना? हाँ, ऐसा ही है बिल्कुल। ठीक, ये तो हो गया खाने का। ठीक है, अभी मुझे बताइए ये सेट कितना बड़ा है? तो 12 फीट इस साइड है। हाँ। 8 फीट हमारा बीच का और 12 फीट इस साइड है। अच्छा, तो ऐसे करके 32 फीट ऐसे में है चौड़ाई में। हाँ। और आप लंबाई में जाएंगे तो ये आपको 40 फीट मिलेगा। 40 फीट मिलेगा। हाँ जी, ठीक है। और अगर आप इसकी हाइट की बात करें तो 16 फीट की हाइट दी है हमने। हाँ। और आप ऊपर देख सकते हैं कि हमने सीमेंट की सीट लगाई हुई है। अच्छा, वो इसलिए कि ताकि गर्म ना हो। हाँ। और ऊंचा भी इसलिए रखा है ताकि जो गैसेस है वो प्रॉपर बाहर निकल जाए। हाँ। और ठंडक मिलती रहे। उसके बाद हमने साइड से कवर करके रखा हुआ है इसे। ये हमने इसको प्रोफाइल शीट से कवर करके रखा हुआ है जो कि SS की है। हाँ। और ठंडियों में हम लोग इसको बाकी का जो है ये जो नीचे का पोर्शन है 8-10 फीट का बस्ता है इसको हम लोग ग्रीन नेट या तिरपाल से जैसी जितनी ठंडी रहे उस हिसाब से हम इसको कवर कर देते हैं। अच्छा ठीक है, अभी हम चलते हैं बकरियों को क्या खिलाते हैं ये समझने। ठीक है सर। भाई, ये भाई साहब का क्या परिचय है? ये अजय, ये हाँ। मेरा पार्टनर है यहाँ पर। अच्छा। हाँ, तो जितने भी काम रहता है यहाँ पर उसका जो पूरा मैनेजमेंट रहता है यही करता है, यानी कि जो पूरा फार्म है ये इसी के भरोसे है। अब चलो ये मिला के हमको दिखाओ जो बकरियों के लिए करते हैं। जी हाँ, चलिए क्या क्या है बताते जाना। चने का भूसा है। हाँ। इसको यहाँ तिरपाल पर डाला। हाँ। इसके बाद में इसमें गुड़ वाला पानी डालते हैं। अच्छा जी, गुड़ वाला पानी डालते हैं। हाँ। ये तो बड़ा अच्छा चीज है यार, गुड़ होने से वो खाती हैं जी। टेस्ट आ जाता है। टेस्ट आ जाता है, ठीक। गुड़ वाला पानी बना रहे हैं इसको, ठीक है। ये गुड़ कितने में लिए सर? ये गुड़ 28 रुपए में, यानी कि जब सस्ता था तब ले लिया था हमने। हाँ। अभी ये 8 में। ये मैं भी करता था। और जो देख रहे हैं उनके लिए भी है, अगर उनकी बकरियां पैराकुट्टी नहीं खा रही हैं उसमें गुड़ पानी डाल दो, गुड़ पानी छिड़क दो तो वो खाने की संभावना वहां बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये गुड़ पानी डाल रहे हैं और ये भूसे में कर रहे हैं। हाँ जी। कौन सा भूसा है? ये चने का भूसा। चने के भूसे में कर रहे हैं हम। पैराकुट्टी का भी बता रहे हैं आपको, पैराकुट्टी भी नहीं खाती तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके साथ में गुड़ पानी के साथ ही हिमालय बत्तीसा है पाउडर।
ये डाला जाता है पानी में स्वाद के लिए। कितना डालते हो? ये लगभग 200 ग्राम हाँ 30 बकरियों 40 बकरियों के लिए। अच्छा तो आपके पास तो ज़्यादा है ना, तो अभी मुझे उतना बना के आप दिखा रहे हो। बना हुआ रखा है आपको वहाँ पे बना रखा है, ये लोग दिखा रहे हैं मुझे। ठीक है, ये आप लोगों के लिए है। ठीक है, अच्छा हिमालय बत्तीसा को भी डाल के उसमें उसी तरीके से मिक्सअप कर देते हैं। हाँ ठीक, ये हिमालय बत्तीसा को मिक्स कर दिए हैं इसमें डाल के, अब हो गया। अब क्या करेंगे भाई? ये पानी को भूसे पे छिड़क देते हैं, मिक्स कर देते हैं। चलिए कीजिए। अच्छा इस तरीके से उसको मौसार कर ले रहे हैं, है नहीं? ये मौसार हो जा रहा है। ठीक, जितना मतलब थोड़ा मौसार हो उतना करते होंगे, बहुत ज्यादा नहीं करते होंगे? नहीं बहुत ज्यादा नहीं करते, क्योंकि भूसा खराब हो जाता है इससे। हल्का नमी आ जाए इतना करते हैं, है ना जी। हाँ ठीक है, वाह वाह सेंट अचार लगा हिमालय बत्तीसा का। ये हो गया, अजय भाई ने तैयार कर दिया है। हिमालय बत्तीसा से क्या होता है? हिमालय बत्तीसा से पाचन क्रिया सही रहती है बकरियों की। हाँ। प्लस टेस्ट बढ़िया आ जाता है। हाँ। जिससे भूसा अच्छे से खाती है। हाँ। खराब नहीं करती है भूसा। अच्छा जी ठीक, अब ये मिक्स हो गया। इसके बाद हम ये मक्के की चुन्नी है। हाँ। ये मिलाएंगे इसमें। जरा दिखाओ मक्के की चुन्नी, डिब्बे में रखे हो जी। हाँ ये मक्के की चुन्नी है, और इस एरिया पे मक्के की बहुत खेती होती है ना सर? हाँ जी बहुत खेती होती है ना। हाँ, हमारे यहाँ पर ही 70 एकड़ में मक्का लगा हुआ है। 70 एकड़ पे मक्का लगा हुआ है अभी। ठीक है, ये डाल रहे हैं, इसको भी पाला कर देंगे। हाँ असल पे ऐसा होता होगा ना कि अगर इसमें पानी नहीं डालते होगे तो भूसा सहित इसको दे दोगे तो फिर वो भूसा को हटा के बकरियां दाना को चुनने लगती। हाँ, होगी। यही होता है ना जी, यही होता है। इसीलिए ये इसमें पानी डाल के इसको मिला रहे हैं, मिक्स करने का जुगाड़ खोज रहे हैं और कुछ नहीं है, और उसके साथ ये पौष्टिक बनाने का जुगाड़ है। मक्का खा रही मतलब आप समझ सकते हैं, और गुड़ का पानी जी। ये रेडी हो गया जी। अभी जैसे हम खिलाना चाहें तो इसको अभी खिला सकते हैं कि कैसा है? नहीं सर, इसको अभी नहीं खिला सकते, ये तो अभी आपको दिखाने के लिए बनाया था, हमने पहले ही बना चुके हैं कल जैसे शाम में। हाँ। तो वो वाला अभी खिलाएंगे हम। मतलब इसको बनाने के बाद टाइम दे देते जी हैं। टाइम दे देते हैं, क्या होता है भूसा कड़क होता है ना, तो नरम होने के लिए उसको कुछ थोड़ा बहुत टाइम लगता है। हाँ। तो कितना घंटे का टाइम देते हैं? ये लगभग 8 से 10 घंटे का। 8 से 10 घंटे का टाइम देते हैं। अभी जैसे हम सुबह है तो सुबह के लिए भाई साहब ने शाम को ही बना के रखा है इधर पे, है ना? शाम में बना दिया था हमने। जरा खोलिए तो, खोलो भाई, ये इसी तरीके से यहाँ बना के रखा है। अभी ये जैसे बोल रहे हैं कड़क होता है, तो कड़क होता है और नरम हो जाता है बोल रहे हैं, तो उसका हम जरा चेकिंग कर लेते हैं। ये जैसे हम ये देखें, हाँ ये नरम हो गया है जी, ये पूरा नरम हो जाता है। हाँ ये नरम हो गया है। अब ये अभी डाल सकते हैं बकरियों को? अभी डाल सकते हैं। चलिए उठाइए डालिए, ये खुला अंदर आइए सर, चलते हैं। ये हमारे अंदर, और इधर पे है कौन सी नस्ल की है सर? ये सिरोही नस्ल की बकरियां है। सिरोही नस्ल की बकरियां हैं, और ये भाई साहब लोग के आ गए, लेके आ गए। सीधा डालेंगे अब जी? अब सीधा डाल देंगे। अच्छा ये सीधा डाल रहे हैं, और ये कैसे बना है खाना खिलाने का? ये करीबन 10 फीट चौड़ा है, लंबा है, 2 फीट चौड़ा रखा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 2 फीट है, ये और 2 फीट है, तो टोटल हाइट इसकी 4 फीट हो गई, चौड़ाई 2 फीट हो गई, और लंबाई में 10 फीट हो गई। अच्छा तो ये 90 किलो का करीबन है। हाँ। 90 किलो इसमें स्टील लगा हुआ है। हाँ। और इसमें आराम से अगर आप सिरोही बकरियों की बात करें। हाँ। तो इसमें 12 बकरियां आराम से, और देसी बकरियों की बात करें तो एक ही फीडर आपको 16 बकरियों का हो जाता है। अच्छा और जो हमने ये इसमें स्टील लगा के रखा हुआ है, रॉड लगी हुई है, ये रहता है कि हरा चारा जो हमारा रहता है। हाँ। तो हरा चारा इसमें आराम से खा लेती है, हरा चारा का नुकसान नहीं होता है हमारा। तो सर अभी बकरियां इसमें सेल करते हैं? हाँ सर, अगर कोई किसान आता है हमारे पास में। हाँ। तो हम लोग निराश लौटाते नहीं है, हम लोग सेल करते हैं। तो सिरोही को किस हिसाब से सेल करते हैं ये जरा समझा दीजिए, सिरोही और गुजरी है इसमें। हाँ हाँ। जैसे कि इधर दिखाओ तो हरी, ये गुजरी है, गुजरी की अच्छी बकरी है ये,
ठीक है, उधर उसके आगे भी गुजरी है और सिरोही की पाट है, ये पट है 6 महीने की, 6 महीने की, हाँ ठीक है, और ये चॉकलेटी कलर की सिरोही है इस तरीके से, हाँ ये भी अच्छी बकरी है सिरोही की जो देख रहे हैं सामने, हाँ ये भी अच्छी दिख रही है, और वो भी अच्छी बकरी है सिरोही की जो सामने दिख रही है ये वाली, ठीक है, इसका जरा थन दिखाओ भाई जाके, हाँ ये भी अच्छी बकरी है जो दिख रही है, हाँ ये देखिए ये भी अच्छी बकरी है ना सर, और इस तरीके से बकरे और बकरी हैं, बकरे भी हैं इसमें है ना, बकरे नेक्स्ट स्टेट में, बकरे नेक्स्ट स्टेट में, इधर भी एक अच्छी है, अच्छा पीस है ये, हाँ, क्या है पट है, ठीक है, इसके अलावा बकरे भी है, ये क्या है, ये गुजरी के बकरे है, हाँ उधर एक सिरोही का बकरा है, सिरोही का बकरा है, हाँ। ये खस्सी है, ये दोनों खस्सी है, वो ब्रीडर है, ये कितने केजी को होंगे, ये अभी 40 केजी के और ये मुश्किल से 8 महीने हुए इनको, 8 महीने हुए, उधर एक ब्रीडर है, ब्रीडर भी जरा मैं दिखा दूं, फिर रेट के विषय पे बात करते हैं, ये खा पी के टन है, जरा इसको दिखा दो, हरी से जा रही है उसको, हाँ ये खा पी के टन है जो उधर पे जा रही है, ये देख रहे हैं अच्छी बकरी है, और ये ब्रीडर है आपका, हाँ जी ये ब्रीडर है, ठीक है, अभी सर मुझे एक चीज समझाइए, रेट क्या क्या रखे हैं और कैसे कैसे बेचते हैं, देखिए सर अभी तो ये बकरिया है, हाँ। हमारे पास में इसमें कुछ पट है, हाँ। जो 6 महीने की आप देख सकते हैं उधर है, हाँ। बकरिया है, बकरिया जिसमें से कुछ प्रेग्नेंट है, हाँ। कुछ हमारे पास में भी खाली बकरिया है, हाँ। तो जो खाली बकरिया है वो करीबन 45 किलो की है, हाँ। जो प्रेग्नेंट बकरिया है वो करीबन 60 किलो की है, जो पट है वो 25 किलो की है, हाँ। रेट हमने अभी 400 रुपए केजी रखा हुआ है यहाँ पर बकरियों का, हाँ जी हाँ। और अगर आप ब्रीडर की बात करें तो अभी तो हमारे पास एक ब्रीडर है, अभी हमारा और हम लोग परचेस करने वाले हैं क्योंकि हमको 500 करना है, NLM की स्कीम है, तो 500 प्लस 25 बकरे हमको रखने हैं, तो हम किस्तों में अभी खरीदेंगे, तो ब्रीडर भी हम लोग लेके आएंगे, तो ब्रीडर का रेट जो अभी है वो 450 रुपए का है, ये सिरोही का बता रहे हैं, अभी देसी बचा हुआ है, देसी को भी हम दिखाएंगे, बैतुल की देसी जबरदस्त है, ये वाला कितने रुपए के जी में आएगा, ये भी 400 रुपए, जिस साइज में आपको चाहिए उस साइज में आपको मिल जाएगा, 400 रुपए के जी में हम लोग देंगे, अच्छा जैसे रिक्वायरमेंट करेंगे, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट, देखिए अगर आप बड़ी बकरी लेके जाते हैं तो वो तुरंत या तो प्रेग्नेंट रहेंगी या तो प्रेग्नेंट होने वाली रहेंगी, तो क्या कि 5 महीने में आपका बच्चा आ जाएगा, ठीक है, हाँ। और 6 महीने में बड़ा हो जाता है, तो 11 महीने में आपकी इनकम चालू हो जाती है, अब अगर अभी ये पट लेके जा रहे हैं आप तो ये फर्स्ट टाइम जब प्रेग्नेंट होंगी इसको 14 महीने लगेंगे, हाँ। अभी जैसे ये 6 महीने की तो 8 महीना इसको भी आपको रखना है, खिलाना है, पिलाना है, हाँ। उसके बाद में ये आपको इसको ब्याहवन करना है, उसके बाद इसका बच्चा आएगा, तो आपको 2 साल रिटर्न में लग जाएंगे, हाँ। तो 2 साल रिटर्न से अच्छा है मेरा मानना है, देखिए या तो आप मिक्स लीजिए अगर आप ज्यादा ले रहे हैं तो, पर अगर आप एक दो ले रहे हैं तो आप सीधे बकरी से चालू करिए क्योंकि उसमें आपका वेट पीरियड उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है सर, आपके पास जो देसी की बकरियां हैं, हाँ। जबरदस्त बकरियां हैं, उसको भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे एरिया और शेड को समझा दीजिए, ठीक है, ये टोटल जो शेड आपका हुआ है, शेड कंस्ट्रक्शन, वो कितने बड़े एरिया पे हुआ है सर, अगर सिर्फ शेड शेड की बात करते हैं आप तो मेरा जो है इधर का 8,000 स्क्वायर फीट का, इधर का 6,000 स्क्वायर फीट का है, ठीक है, हाँ। तो 14,000 हो गया, 3,000 स्क्वायर फीट का जो मेरा है ये गोडाउन है, गोडाउन है, हाँ। और 32x40 का गाय का शेड है मेरा, अच्छा ठीक है, तो ये हो गया, इसके अलावा यहाँ पे टोटल जमीनें कितनी है आपकी, यहाँ मेरी टोटल जो जमीन है वो 7 एकड़ है, हाँ। ये वाला प्लॉट, इसके हाँ। अलावा भी एक प्लॉट है जो 14 एकड़ का है, एक इधर है, पर जो गोट फार्मिंग के लिए मैंने डेडिकेटेड रखा हुआ है वो 7 एकड़ का प्लॉट है, हाँ। जिसमें से 1 एकड़ में 1.25 एकड़ में आप 55,000 स्क्वायर फीट में ये शेड प्लस ये बाड़े देख रहे हैं, अच्छा अभी इसके बाद मुझे यहाँ से लेकर वहाँ तक का जो एरिया है, जो बाहर का एरिया है, बाहर वाला, हाँ हाँ, वो कितना रखे हैं जरा, तो देखिए CIRG हमको बोलता है कि एक एडल्ट बकरी के लिए आपको 16 स्क्वायर फीट की जगह रखना है, खुले में, खुले नहीं बंद में, शेड में, हाँ, और 32 स्क्वायर फीट की बाहर, यानी दोगुनी, हाँ, हमने करा है 16 स्क्वायर फीट अंदर, हाँ, और यहाँ पर हमने इसकी 3 गुना स्पेस दी हुई है, अगर 16 बोल रहे हैं वो तो हम यहाँ पर 50 स्क्वायर फीट तक हमने छोड़ा है, तो अगर आप यहाँ से वहां तक की देखते हैं ओपन स्पेस तो ये 60 से 80-90 फीट तक आपको मिलेंगी, अच्छा, और इसमें कितने ठो बने हैं ऐसे अलग अलग, इसमें 17 बाड़े इस साइड बने हुए हैं, 17 ही बाड़े उस साइड बने हुए, अच्छा, और उसके अलावा आप गाय का शेड अलग बना हुआ है, और आपका ये जो गोडाउन है 3,000 स्क्वायर फीट का, ये गोडाउन अलग बना हुआ है जिसमें 3 अलग अलग तरह के चारे रखे हुए, इधर गाय के लिए गेहूं का है, बीच में चने का है, उधर मसूर का है, ठीक इस तरीके से, अभी अब अंदर चलते हैं और सेट की डिजाइनिंग को समझते हैं, आइए, अभी अंदर के सेट को हम वहां से यहां तक अगर समझे तो इसकी लंबाई कितनी होगी, ये 400 फीट है,
400 फीट है और इसकी चौड़ाई कितनी जाएगी? 20 फीट जाएगी। और इसको आपने 17 भागों पे बांट दिया है। इसको 17 भागों में ठीक है। और ये पानी की यहाँ पे व्यवस्था भी आपने लगा दी है? हाँ, ये मैंने ओवरहेड टंकी बनाई हुई है, आप देख सकते हो वहाँ पर लगी हुई है। हाँ, ओवरहेड टंकी में पानी जाता है बोरिंग से, क्योंकि लाइन का फ्लक्चुएशन रहता है, कभी रहती है कभी नहीं रहती है। हाँ, तो वहाँ लगा दी। और दूसरा, इससे लेवर बहुत सेव होता है। हाँ, इससे लेवर, आपको पानी, आपका दो ही काम है, एक तो खाना खिलाना, एक पानी पिलाना। हाँ, अब पानी आपने यहाँ से ऑटोमेटिकली पिला दिया। हाँ, खाने के लिए भी हमने ये जो स्टील के बाड़े बनाए हुए हैं। हाँ, इसमें बाद में हम लोग एक फीडर लगा देंगे और उसके अंदर सीधा और ट्रॉली से। हाँ, हमारा जो भूसा और सानी हमने आपको जो समझाया था वो हम सीधे दे देंगे। तो ये क्या है कि दो लेबर में हमारा पूरा काम हो जाएगा और महीने में एक बार हमको सफाई करनी पड़ेगी इसकी। हाँ, वहीं पे खाने का ट्रे वहीं पे दे देंगे बाहर पे ही। बाहर से ही दे देंगे। ठीक है, अभी अंदर पे भी इसी तरीके का ट्रे लगा हुआ है जो भाई साहब ने पहले बताया हुआ था ट्रे के विषय पे, वो रखा है। ये अंदर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि बारिश के टाइम पे हम लोग बाहर नहीं रख सकते। हाँ, तो एक हमने बाहर के लिए रखा हुआ है। हाँ, कि हम उस पे हरे पत्ते और बाकी सारी चीजें लगा दे, या ठंड के मौसम में जो है बकरियां बाहर खाए, इसमें हम ठंड के मौसम में नहीं डालेंगे। और गर्मियों के मौसम में हम इसी में खाना डालें ताकि गर्मियों में बाहर ना घूमे, लू ना लगे बकरियों को, वजन ना घटे, प्यास ना लगे, इसलिए इसको एक अंदर एक बाहर रखा हुआ है। ठीक है, अभी इसकी हाइट जरा मुझे बता दीजिए। ये 3.5 फीट की हाइट है इसकी और ये बकरियों के गर्दन की हाइट की है, ताकि ठंड के टाइम में जब हवा चले तो बकरियां ठंड में बैठी रहेंगी, तो ये जो हाइट है इससे ठंडी हवा सारी जो है रुक जाएंगी हमारी, इसीलिए हमने ये 3 फीट का बनाया हुआ, 3.5 फीट का। ठीक है, इधर पे इधर जैसे हम देखेंगे तो इधर पे जालियां लगी है बीच में और ऊपर पर भी सीट दिया गया है ना। हाँ हाँ, तो इस तरीके से इसको बनाया गया है और यहाँ भी वही हाइट रखा गया है। इसके अलावा ये वाला जगह बाहर वाला क्यों? ये बारिश में गलियारा, जैसे आप बारिश में हम लोग जो हमारी सानी आएंगी, ठीक है, चारा आएगा, तो बंदा बारिश में भीगते हुए तो यहाँ पर डालेगा नहीं। हाँ, तो उसके लिए हमने बारिश के लिए गलियारा दिया हुआ है कि बारिश के टाइम पे हम लोग इधर से चारा देंगे। हाँ, और गर्मी और ठंड के टाइम पे हम बाहर से चारा देंगे। अच्छा, बारिश में अंदर से चारा देंगे, गर्मी और ठंड में बाहर से देंगे। ठीक है, ये और इस सेट की हाइट क्या होगी सर? मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ से देखिए, ये आपकी 3 फीट की हाइट होगी वॉल की। हाँ, फिर 3 फीट की जाली लगी हुई है। हाँ, और 3 फीट का प्रोफाइल शीट लगा हुआ है। टोटल 9 फीट की हाइट ये होगी। हाँ, और जो मिड की हाइट है वो 12 फीट की है। हाँ, ठीक है, तो इस तरीके से बनाया है। हाँ जी, तो ये सारा सेटअप जो बनाने में, ऐसा ही सेट उधर भी बना है और फिर गाय का भी बना है, ये सब बनाने में कितना खर्चा आया होगा? ये करीबन 80 लाख रुपए का खर्चा आ चुका है इसमें। अच्छा, NLM का प्रोजेक्ट है ये? NLM का प्रोजेक्ट है, 500+25 का। और वो, अभी वो कितने का होता है प्रोजेक्ट? वो 1 करोड़ रुपए का होता है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई आपको हम 50% सब्सिडी देंगे, पर 50% में हम आपको 1 करोड़ रुपए की लिमिट दे रहे हैं। आप 1 करोड़ रुपए तक का, आप 80 लाख का बनाते हो तो 40 लाख रुपए मिलेंगे, अगर आप 1 करोड़ का बना रहे हो तो आपको 50 लाख मिलेंगे, अगर आप 1.5 करोड़ रुपए का भी बनाते हो तो आपको 85 लाख रुपए मिलेंगे। तो जो मेरा ये प्रोजेक्ट है, ये क्योंकि मुझे परमानेंटली ये काम करना है और मेरा ऐसा है कि ऑल इन इस प्रोजेक्ट में मैं हूँ, तो मैं, आप ये समझ लीजिए कि 80 लाख रुपए ये और करीबन 80-70 लाख रुपए की बकरियां मेरे पास में, जब मेरी फुल कैपेसिटी रहेंगी तो 500 रहेंगी, तो वो करीब करीब 80 लाख रुपए और लगेंगे। तो ये 1.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है मेरे लिए। अच्छा, ठीक है सर, ये तो सिरोही की बकरियां हम देख चुके, अभी चलते हैं हम जमुनापारी और देसी की जो आपके पास है वो देखने चलते हैं। सर, मैं आपको जमुनापारी देसी दिखा दूंगा, उसके पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। हाँ, कि बकरी पालन में दोहरी कमाई कैसे करें। हाँ, तो दोहरी कमाई के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि दूध कैसे निकाले हम बकरियों का। अच्छा, यहाँ मशीन से निकल रहा है। अच्छा, मशीन से निकल रहा है। हाँ, तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं। हाँ, इसके बाद हम लोग जाके आपको जमुनापारी दिखा देंगे। अच्छा, देखिए अभी मेरे को ये 15 बकरियों से 8 से 10 लीटर दूध हो रहा है। हाँ, अब मान लीजिए कि मेरा 500 का टोटल प्रोग्राम है। हाँ, अब 500 बकरियों से अगर आप दूध निकालने की बात करेंगे। हाँ, तो आपको 150 से 200 लीटर दूध होगा। 200 लीटर दूध की कीमत आज मैं 40 रुपये से भी जोड़ूँ तो 8,000 रुपये दिन का हो रहा है, 240,000 रुपये महीने का हो रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ 500 बकरियाँ ऐसी पालूँ सिरोही, तो इसमें मेरा आपको मेरी EMI निकल रही है, मेरे लेबर का खर्चा निकल रहा है। तो ये जो बकरी है, बकरी नहीं है, गाय है मेरे लिए। अच्छा, गाय है ये आपके लिए? हाँ जी। हाँ, तो ये इसी तरीके से निकालते हैं सर? हाँ जी सर, ये मुझे 15 मिनट लगता है 8 बकरियों का निकालने में। 2 बकरियों का एक साथ निकलता है और 2 मिनट लगता है 2 बकरियों का निकालने में। तो ये समझिए कि हर 1 मिनट में 1 बकरी दूध देती है। और मेरे पास में अभी मुश्किल से 10 से 15 बकरियां है जो प्रॉपर दूध देती है। अच्छा, और ये सामने दिखा तो, और इसको दिखाई दे रहा है दूध निकलते हुए, वो सामने देखेंगे
तो दिखाई दे रहा है उसमें दूध निकलते हुए, है ना सर? हाँ जी सर। हाँ, हाँ। और वो दूध उसके थ्रू यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है ना? हाँ। और अभी तो ये 40 रुपए बिक रहा है। हाँ। अभी जब मैं डेयरी खोलूंगा तो डेयरी में ये दूध रहता है बच्चों के लिए। हाँ। जो 6 महीने से छोटे बच्चे रहते हैं जिनकी माँ को दूध कम रहता है, वो बच्चों के लिए बकरी का दूध अमृत होता है। माँ के दूध के बाद में जो गुणवत्ता की बात करूँ, पचने योग्य दूध की बात करूँ, तो वो बकरी का दूध होता है, क्योंकि इसका फैट मॉलिक्यूल छोटा रहता है, इसको बच्चा आराम से पचा लेता है। हाँ। तो इससे ये होता है कि ये दूध की, अभी शहरों में आपको याद होगा कि डेंगू के टाइम पे 700 रुपये बकरी का दूध हो गया था। हाँ। अब बकरी का दूध ऐसे मिलता नहीं है। हाँ। बट अगर आप सरलेक्स खिला रहे हैं, आप फॉर्मूला मिल्क खिला रहे हैं अपने बच्चे को, हाँ, तो उससे 1000 गुना अच्छा है कि आप उनको बकरी का दूध पिलाइए। अच्छा ठीक है, अभी ये मशीन कितने की है ये मुझे समझा दीजिए। ये मशीन हमको 80,000 रुपये की पड़ी है। हाँ। इससे हम एक साथ 2 गायों का, हाँ, या 2 बकरियों का दूध निकाल सकते हैं। और बकरियों का निकालने का जो है ये 2 ठो है, गायों का 4 ठो रहता है। हाँ, ऐसा ही है ना? हाँ जी। ठीक है सर, ये तो हमने आपको दिखा दिया कि बकरियों का दूध कैसे निकालें। अभी चलते हैं सर हम जल्दी से वो आपके देसी और जमुनापारी को देखने। ये हम आ गए अब इसके अंदर देसी समझ में, है ना? हाँ, इसमें कुछ जमुनापारी की भी है और हाँ, यहाँ ज्यादातर देसी जो है जमुनापारी टच की है, बैतूल छिंदवाड़ा सिवनी पे, ये इसकी खूबी है। अभी हम समझते चलते हैं और इस पे हरा चारा डलवाते हैं सर। अभी देसी में जरा मुझे समझाओ जाए भाई, कैसे कैसे है और क्या क्या है? ये देसी बकरी है हमारे इधर की, ये इधर की देसी बकरी है। ठीक है, इसी के साथ ऐसी भी देसी बकरियां हैं यहाँ पे, जैसे कि ये देख रहे हैं ये देसी बकरी भी है। अच्छा सर, वो जो है वो थोड़ा, वो कौन सी है वो जरा बताइए। ये जमुनापारी क्रॉस है हमारे पास, ये जमुनापारी क्रॉस है यहाँ की, जैसे कि देख रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ बहुत खूबसूरत बकरी है ये, बकरी ये बहुत पसंद आया मुझे। दिखा भाई, इधर लाए देना। हाँ हाँ हाँ, इसको लाओ, इसको हाँ पकड़ो पकड़ो। हाँ, ये जबरदस्त बकरी है। इस तरीके की बकरी जो है बैतूल पे अवेलेबल हो जाती है। देखिए, बकरी है कि बकरा है? बकरी है, बकरी है, ये जबरदस्त बकरी, बहुत सुंदर बकरी है। ठीक है, ये एक इसकी है सर, बताइए। ये हंसा नस्ल की है, हंसा नस्ल की है, जबरदस्त है, देखिए बहुत शानदार है, जबरदस्त है। इसे कान देखते हैं, कान पे थोड़ा सा पकड़ के रखो भाई। हाँ, कान पे थोड़ा, हाँ कान पे थोड़ा स्पॉट है, लेकिन है बहुत खूबसूरत, गजब है। ठीक, इस तरीके की बकरी भी है। अभी और मैं दिखाते चलता हूँ आप लोगों को, ये भी देख रहे हैं, ये भी जबरदस्त है। ठीक है, इसी के बाजू में ये ब्लैक बंगाल टच की भी देसी यहाँ पे उपलब्ध है। हाँ, मिलती है यहाँ पर, ये ब्लैक बंगाल टच की है और ये भी है एक देसी जो देख रहे हैं, ये भी ब्लैक बंगाल टच की है। बैतूल पे दोनों तरीके की देसी आपको देखने को मिलेगी और ये मक्काचीना जैसा बोलते हैं वैसा है एक। ठीक है, अभी ये बकरी देखिए, ये बहुत शानदार जबरदस्त बकरी है। ये किसकी है सर? ये भी हंसा नस्ल की है, ये भी जबरदस्त बकरी है, हंसा नस्ल की है। हाँ, ये भी आपको जमुनापारी में मिल जाएंगी, मिल जाएंगी। हाँ, और ये छोटे तो, छोटे इस तरीके के बच्चे भी हैं जैसे कि देख रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 महीने के बच्चे हैं, और ये भी है और ये भी है, ये सारी चीजें है ना। एक छोटा बच्चा जबरदस्त है, जरा उसको लेके आ भाई, जो काला मुंह वाली छोटी सी है, हाँ जरा गोदी पे उठाओ। ये क्या है? ये प्योर देसी में है हमारे यहाँ, ये बैतूल की प्योर देसी है, अच्छी अच्छी ब्रीड पानी मांग देगी। जैसे कि देख रहे हैं ये बैतूल की प्योर देसी है और देख रहे हैं कितनी खूबसूरत है। जरा मुखड़ा दिखा इधर, ये देखो, ये मुखड़ा दिखा इधर, बहुत खूबसूरत है, ये शानदार है। कितने दिन का है ये? 1.25 महीने करीबन का, 1.25 महीने का है, तो 1.25 महीने में तो अच्छा ही है ना, जबरदस्त है। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और ये देख रहे हैं, ये भी बैतूल की देसी है, ये भी बैतूल की देसी है और ऐसी भी बैतूल की देसी है ना। तो इस तरीके से दोनों टच के हैं, जमुनापारी टच के भी हैं और ब्लैक बंगाल टच के भी यहाँ पे देसी आपको देखने को मिलता है। तो देसी को किस तरीके से बेचते हैं सर, ये जरा समझा दीजिए। देसी बकरियाँ अगर कोई हमारे पास किसान खरीदने आता है तो हम 350 रुपये के जी में दे देते हैं। अच्छा ठीक है। और बकरा हो गया तो? बकरा हो गया तो 400 रुपये में। अच्छा। और बकरे में हम देसी में भी प्रॉपर ब्रीड देते हैं। हाँ। तो अगर किसी को लेना है तो जमुनापारी का ब्रीडर है हमारे पास में। हाँ। सिरोही का आपने देख ही लिया है। जमुनापारी का ब्रीडर कहाँ है? जमुनापारी का ब्रीडर लेके आना, ये जमुनापारी का ब्रीडर है। हाँ जी। हाँ, तो ये अभी 8 महीने का ही हुआ है। हाँ, तो आप ये समझिए कि ये 6 महीने के बाद में ये ब्रीडर बन जाएगा प्रॉपर हमारे यहाँ पर। अच्छा, इसको कितने में देंगे? 400 रुपये के जी। 400 रुपये के जी में देंगे इसको? हाँ जी। अरे वाह, गजब, 400 रुपये के जी में दे देंगे इसको जी। बहुत शानदार है। ठीक, ये गजब है। हाँ, बहुत शानदार। ठीक ठीक, ये अच्छा है।
ठीक है छोड़ दो भाई, खूबसूरत है ठीक, तो इस रेट में बेच देंगे। हाँ। अच्छा हरा चारा लाए क्या भाई, लेके आ जाओ। ये किस चीज का चारा है सर? ये सुबबुल है। हाँ। सुबबुल हमारे यहाँ का इंडिजिनियस पौधा है। हाँ। यहाँ आपको जहाँ पर कुछ नहीं उग रहा है वहाँ सुबबुल उग जाता है। हाँ। प्रोटीन में आप ये समझिए कि इसमें 24% क्रूड प्रोटीन रहता है। अच्छा, तो ये प्रोटीन हम तो नहीं पचा पाते। हाँ। पर जैसे गाय है बकरी है ये प्रोटीन पचा लेती है। हाँ। और फिर जो दूध की क्वालिटी आती है, जो हेल्थ रहती है, उससे काफ़ी अच्छी रहती है। अच्छा हाँ ठीक है। वो भाई साहब एक और चारा रखे हैं, जरा उसको पूछते हैं। ये क्या है सर? ये V1 वेराइटी का सहतूत है। सहतूत है? हाँ जी, ये सेरीकल्चर में यूज़ होता है अपना रेशम का कपड़ा बनाने के लिए। हाँ, 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 हाँ। और हमने भी सेरी इंस्टीट्यूट से इसे लेके आए हैं। अच्छा है ना। हाँ। तो ये V1 वाला जो है ये भी हम लोग कराते हैं, इसमें भी 24% क्रूड प्रोटीन रहता है। अच्छा। जो कि बकरियों की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये एक तरीके से आप समझिए इनकी दवाई है, अगर दस्त लग गया, सर्दी होगी, खांसी होगी, तो हम लोग ये खिलाते हैं इनको। अच्छा डालो भाई। इसी के साथ मुझे एक चीज़ बता दीजिए, आपके पास कौन कौन सा ये चारा लगा हुआ है और कितने कितने में लगा है? देखिए सर, अभी हमारे यहाँ क्या है कि गर्मियों में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो आप गर्मी का एरिया छोड़ दीजिए, अभी जैसे बरसात अभी लगा है, जून का महीना है अभी, तो हमारे पास में सहतूत है जो 12 महीने हमको देता है। इसके अलावा हमारे पास में ड्रम स्टिक, जिसको हम मुंगना या सृजन की फल्ली बोलते हैं, उसका चारा है। इसके अलावा हमारे पास हदगा और शिवरी हम लोग अभी लगा रहे हैं, मेथी घास लगाते हैं हम लोग, नेपियर है हमारे पास में, ठीक है। तो जो ये मेथी घास है, हदगा शिवरी है, सहतूत है, ये सब हमारे यहाँ प्रोटीन वाला चारा है, जो हम बकरियों की हेल्थ के लिए, दूध बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। और जो पेट भरने के लिए यूज़ करते हैं वो होता है नेपियर, मक्का, अफ्रीकन टॉल वेराइटी हमारे यहाँ पर लगा हुआ है, और ज्वार बाजरा, ये जो हम करते हैं इनका पेट भरने के लिए करते हैं। और जो ये प्रोटीन वाला चारा ये हम किस हेल्थ मेंटेन करने के लिए करते हैं। तो ये जो हमने भूसा यहाँ चने का, मसूर का भर के रखा हुआ है, ये हमारा सिर्फ जो गर्मियों का टाइम रहता है और बरसात के जो 2 महीने रहते, जुलाई और अगस्त, क्योंकि इसमें जो हमारी हरे चारे रहते इसमें कीड़े बहुत ज़्यादा रहते हैं इस टाइम पे, तो दस लगता है, ईटी होता है, ये सारी प्रॉब्लम आती है। तो इस टाइम पे हम हरा चारा बहुत कम देते, और देते भी तो बड़े पौधे का देते हैं, जैसे कि पीपल हो गया, बरगद हो गया, इसका ज़्यादा हरा चारा खिलाते, या सहतूत अपना सुबबुल हो गया। बाकी के 8 महीने हम लोग ना इनको कोई टॉनिक देते हैं, ना इनको कुछ देते, हम लोग खाद में यूरिया DAP डालते हैं। इसके अलावा जिपमाइट आता है, जिसमें सारे मिनरल जो माइक्रो न्यूट्रिएंट रहते हैं, जैसे कि जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, ये जो सारे रहते हैं, ये जिपमाइट करके एक आता है, 500 रुपये का बैग रहता है, 25 किलो का, ये खाद हमारे खेतों में डालते हैं, मेथी घास के अंदर में, नेपियर के अंदर में, और वहाँ से ये सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट जो इनके आता है। तो जब हमारे पास में अगस्त में हरा चारा आएगा, तो अगस्त से लेकर फरवरी मार्च तक हम लोग इनको हरे चारे पर रखेंगे। और यकीन मानिए, उस टाइम पे जो हमारा दूध होता है गायों में भी और बकरियों में भी, वो अपने पीक पे रहता है, जो हेल्थ रहती है वो पीक पे रहती है। तो मुझे ये लगता है कि सूखा चारा, मक्का, बिनोला की खल्ली, ये सब गर्मियों के लिए ठीक है, ये किसानों को तो बाकी के 8 महीने खिलाना भी नहीं चाहिए, बशर्ते आपके पास में ज़मीन हो। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है और आप स्टॉल फीड पर रख रहे हो, तो आपको सूखे चारे पे ही पालना पड़ेगा। इसलिए हमारी ये कोशिश है कि हम 6-8 एकड़ में हरा चारा लगाएं और 8 से 10 महीना हम लोग उनको हरा चारा खिलाएं। सिर्फ बरसात के 2 महीने के लिए हम लोग सूखा चारा खिलाते हैं, उसी टाइम पे उनकी हेल्थ, वजन थोड़ा सा डाउन रहता है, बाकी तो आप देख के आपकी तबीयत खुश हो जाएंगी। अभी तो आप गर्मियों में आए हैं, आप 6 महीने बाद आइए, जब मैं आपको यहाँ पर आपका सृजन की फल्ली वाला चारा हो गया, जो हदगा हो गया, शिवरी हो गई, सहतूत का अभी भी लगा हुआ है हमारे पास में, नेपियर है, और उसके अलावा में हमारा जो मेथी घास है वो बहुत अच्छा चारा है, तो ये सब हम लोग बाकी के 8 महीने खिलाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो पर हम ये फार्म दिखा रहे थे आपको, और भाई साहब ने बताया कि ये ज़बरदस्त बकरियां जो हैं यहाँ की देसी, प्लस जमुनापारी, प्लस कुछ हंसा, इसी के साथ पे वहाँ पे जैसे हम देख रहे थे सिरोही, इसके अलावा कोई और डिमांड करे अदर ब्रिड तो वो भी अवेलेबल करा देंगे। हमारा जो स्कीम है NLM का स्कीम है, और ये है नस्ल सुधार, मतलब हमको प्रॉपर अच्छी ब्रीड करके किसानों को देना है। अब देखिए, आपको मैंने जैसे बताया 80 लाख का शेड बना है, 80 लाख की टोटल, जब अभी 3 ही महीना हुआ शेड बने हुए, तो अभी मेरे पास में 100 बकरियाँ है, और आने वाले टाइम में मैं बर्बरी लेके आऊँगा 100 करीबन, बीटल लाऊँगा 30-40। तो मेरा तो ऐसा है कि मैं यहाँ पर सारी ब्रीड रखूँगा, और मेरे को सरकार ने ये लोन इसलिए दिया, ये सब्सिडी इसलिए दी है कि मैं यहाँ पर एक प्रॉपर ब्रीड किसानों को दे पाऊँ। हाँ। तो कल के लिए अगर मेरे पास में बर्बरी आती है, बीटल आता है, तो मैं वो मैं पहले ये देखूँगा कि उसमें कितना दूध निकल रहा है, कितने बच्चे आ रहे हैं। हाँ। और फिर मैं किसानों को बताऊँगा। जैसे आपने अभी सिरोही के देखे,
सिरोही की 40 बकरियां है मेरे पास में अभी, उसमें से 15 बकरियां अभी मेरे को दूध दे रही है, और 15 बकरियों से अभी 8 लीटर दूध हो रहा है मुझे। तो मेरे पास पे बकरियों का दूध निकालने वाली मशीन भी है, गाय का दूध निकालने वाली मशीन भी है। तो क्योंकि मेरा एक विज़न है कि मैं 500 बकरियां पालूँ, और दूध का भी है, क्योंकि ये दोहरा फ़ायदा हम कभी देख नहीं पाते। हम लोग हमेशा जो बकरी पालन इसलिए करते कि भाई बच्चे चाहिए हमको, बच्चे बड़े करके हमको मीट पर्पज़ के लिए या ब्रीड पर्पज़ के लिए रखना है। मेरा ऐसा है कि हम लोग इसको मिल्क पर्पज़ के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें गाय का दूध, भैंस का दूध और बकरी का दूध, तो जो सबसे गुणकारी दूध रहता है वो आपका बकरी का रहता है, क्योंकि जो बकरी का फैट मॉलिक्यूल रहता है वो बहुत छोटा रहता है। आप भैंस का दूध बच्चे को नहीं पिला सकते, नवजात शिशु जो रहता है वो, उसका पेट खराब हो जाएगा। आप गाय का, गिर गाय का, देसी गाय का दूध, उस टाइम पे जो माता पिता रहते हैं वो देसी गाय का दूध ढूंढते हैं, और अगर बकरी का मिल जाए तो फिर क्या कहना है। तो बकरी हम लोग पाली इसलिए रहे कि हम दूध की भी मार्केटिंग कर पाए। तो अगर आपको गिर के दूध लेना है तो भी, या बैतूल की जबरदस्त देसी बकरी लेना है तो भी, या जमुनापारी लेना है तो भी, हंसा लेना है तो भी, सिरोही लेना है तो भी, या अलग ब्रीड लेने हैं तो भी, भाई साहब का नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।